समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। चित्र ए व बी में एल एम किस प्रकार की रेखाएं हैं? चित्र ए में रेखाएं एल एम एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तथा चित्र बी में रेखाएं एल एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखा एन दोनों चित्रों में एल एम रेखाओं को दो बिंदुओं पी व क्यू पर काटती है। यह रेखा एन तिर्यक रेखा है। चित्र ए व चित्र बी को देखिए। इन दोनों में से किस चित्र में एल व एम रेखाओं के बीच की दूरियां समान हैं? यहाँ चित्र बी में रेखाएं एल व एम प्रतिच्छेदी हैं और इनके बीच की दूरियां असमान हैं, जबकि चित्र ए में रेखाएं एल एम बीच की दूरियां समान हैं। चित्र ए की रेखाएं एल एम समांतर रेखाएं हैं। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो निम्नलिखित कोण बनते हैं जिन्हें चित्र ए व बी में देख सकते हैं। पहला, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ए, कोण एक और कोण पाँच। बी, कोण दो और कोण छः। सी, कोण तीन और कोण सात। डी, कोण चार और कोण आठ। दूसरा, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ए, कोण चार और कोण छः। बी, कोण तीन और कोण पाँच। तीसरा, एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ए, कोण एक और कोण सात। बी, कोण दो और कोण आठ। चौथा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ए, कोण चार और कोण पाँच। बी, कोण तीन और कोण छः। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव अंतः कोण या संबंधित एलाइड अंतः कोण या सह अंतः कोण को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। कई बार हम एकांतर अंतः कोणों के स्थान पर शब्द एकांतर कोण का प्रयोग करते हैं। पांचवा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण हैं क्रमागत बाह्य कोण या संबंधित बाह्य कोण या सह बाह्य कोण। ए, कोण एक और कोण आठ। बी, कोण दो और कोण सात। करके देखें। आप इस चित्र का अवलोकन कर तालिका पूर्ण कीजिए।